बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है। जो मैंने यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से भी करीब 20 नंबर का मैटर मिला है जो पेपर हुआ है उसमें। और जो मॉडल पेपर जिन्होंने लिया था, मॉडल पेपर से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। टोटल 4 क्वेश्चन, बड़े करने की बात होती है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं उनमें से। समझ में आया कुछ? एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन से 3 × 3 = 9 होते हैं, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, टोटल 10 क्वेश्चन, 9 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, एक तो करना ही होता है। 4 क्वेश्चन बड़े जो आते हैं वो मैं बोलता हूँ कि आपको पूरे एग्जाम में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा पेपर मिला है, पूरा प्रूफ देख लो। जिसको अगला मॉडल पेपर लेना है, सॉरी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वीके ऑनलाइन क्लासेज, ब्लैक कलर का लोगो लगा हुआ है एप्लीकेशन पे, ब्लैक कलर का। डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक है, जैसे क्लिक करोगे यूनिवर्सिटी वाइज उसमें आपको मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर जैसे ही करोगे पेड कोर्स पे क्लिक करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे मॉडल पेपर दिख जाएगा। जो भी आपका अगला पेपर, मैं सब डाल दिया हूँ, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर के थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर के भी डाल दिया, सबके आपको उसमें मिल जाएगी। प्रूफ देख लो किस तरीके का आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आया था, मैंने मॉडल पेपर में क्या बताया था, जब भी तो आपको यकीन होगा, ट्रस्ट होगा। जिन्होंने लिया था वो तो करके आए, करीब ज़्यादा नहीं तो 400 से 500 स्टूडेंटों ने तो ज्वाइन किया था उसको, तो आप समझ गए होंगे कि जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उसको जिन्होंने लिया वो देख लो प्रूफ किस तरीके का पेपर आया था और मैंने जो बताया उसमें से कितना मिला था। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जिसको अगला मॉडल पेपर लेना है वो ज़रूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, हर पेपर उसमें मिल जाएगा। और जिसको कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहता है वो इस नंबर पे कर लेना। सही से नंबर नोट करना, नंबर गलत नहीं करना, 88 24 59 31 है, सही से नोट करना। व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। और पेपर देख लो किस तरीके का आपका आया था। अब यहाँ पे आप इसमें प्रूफ देख सकते हैं, मैं आपके सामने कंप्लीट प्रूफ दिखा रहा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का, जो मैंने पेपर बताया था उसमें से कितना मिला था। तो यहाँ पे ये पेज था, देखो अगला पेज है, सॉरी, देखो यहाँ पे कंप्लीट देखना एक एक चीज़ को। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको छोड़ो, मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताता, लेकिन ये प्रतिगामी कायंतरण, पेट्रामाइजोन, एम्फियोक्सस, ये सब कुछ मिले हैं, मैं बताऊँगा प्रूफ करके। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखो, कंप्लीट है हार्डमानिया और ब्रेंकेस्टोमा में कंप्लीट अंतर पूछा है। बाह्य की मतलब कि दोनों की जो बाह्य इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल जो विशेषता होती है वो कंप्लीट आपको बतानी थी, एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट बताने थे। हार्डमानिया में रक्त परिसंचरण तंत्र बताना था। कहने का मतलब है हार्डमानिया मतलब प्रतिगामी कायंतर, क्योंकि हार्डमानिया के अंदर एसडेंटिटी पुलारवा में प्रतिगामी कायंतर पाया जाता है। अगला है दो पर संक्षिप्त टिप्पणी, वो है 3 है उसमें से 2 लिखनी है हार्डमानिया की, फेरिक्स मतलब ग्रेसनी और एसडेंट टीडपोल लार्वा, एमोसिट लार्वा, मतलब वही क्वेश्चन है, एसडेंट टीडपोल मतलब प्रतिगामी हार्डमानिया। अगला एक प्रारूपिक पिच की संरचना और परिवर्धन, मेंढक उत्सर्जन और निम्नलिखित पर 2 पर टिप्पणी, तो यहाँ पे 3 है उसमें से 2 पे लिखनी है, तो कबूतर बाह्य कोष, रोम परिवर्धन, जो एक पाचक ग्रंथि है। अब मैं बताऊँगा कौन कौन से मिले थे। उभयचर मछलियों में, उभयचर मतलब एम्फीबियंस और मछलियों में पैतृक रक्षण, मछलियों में पाचन बल, शल्क व पंख और स्तनधारियों में अनुकूलन। अब मॉडल पेपर देखो जो मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन तो ये रहा ब्रेंकेस्टोमा, ये आया था और मैंने बोला था बदल के आएगा कि ब्रेंकेस्टोमा पर संक्षिप्त टिप्पणी, और यहाँ पर भी दे रखा था मैंने हार्डमानिया ब्रेंकेस्टोमा में अंतर और हार्डमानिया में क्या रक्त परिवहन तंत्र, ये रहा पूरा 6 नंबर में। और कैसे भी देख लो एमोसिट लार्वा ये रही, एसडेंटिडबोल ये रहा मतलब एसडेंटिडबोल जो मैंने बता रखा था उसमें, और प्रतिगामी कायंतर मतलब हार्डमानिया कंप्लीट। समझ में आया कुछ? अगला है यहाँ पे कबूतर का श्वसन तंत्र, दूसरी यूनिट से संक्षिप्त टिप्पणी में आया था, याद रखना 3 पे लिखना था ना, और स्तनधारियों में रोम, ये 2 मिल गए, मतलब 1-4 क्वेश्चन ही तो पूरे मिलने थे। तो देखो ये रहा रोम परिवर्धन और कबूतर में श्वसन तंत्र, समझ आ गया। और इसमें से पूरे ये वाले क्वेश्चन देखो, एमोसिट लार्वा, एसडेंटिडबोल लार्वा और हार्डमानिया, इसमें अंतर, ब्रेंकेस्टोमा, और ये पूरा कंप्लीट। तो अब अगली यूनिट की बात करी जाए, देखो सब क्वेश्चन मिले हैं। अगला है ओवेचर मछलियों में पैतृक रक्षण,
इसको छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन पूरा मिला है। दो क्वेश्चन हो गए ना, तीन क्वेश्चन हो गए, एक यूनिट से दो कर दो। पहली यूनिट से दो क्वेश्चन कर सकते थे, पूरे मिले हैं। इसमें देखो मछलियों में पाए जाने वाले शल्क व पंख और स्तनधारियों में अनुकूलन विकिरण। अब मॉडल पेपर देखो, ये रहा स्तनधारियों में अनुकूलन विकिरण, ये रहा देखो संक्षिप्त में पहला। और उभयचर जंतुओं में क्या पैतृक रक्षण, ये भी तो है। और अगला मछलियों में शल्क व पंख पैतृक रक्षण, देखो मछलियों में पैतृक रक्षण और उभयचर में पैतृक रक्षण, एक क्वेश्चन था ना, दोनों को मिला के ये रहा। मछलियों में शल्क व पंख प्रवास, ये रहा, ये देखो ये रहा अनुकूलन और शल्क पंख वाला, ये रहा छः छः नंबर के। और मछलियों और वे उभयचर में, तो पूरे तीसरे सेक्शन से तो तीनों मिले थे, तो दो कर देने। और इससे तो ये एक क्वेश्चन ये मिला था, दो को मिला के एक हो रहा है, दो पे संक्षिप्त टिप्पणी पूछ, तीन हो गए। और एक क्वेश्चन इसमें से कोई सा भी कर दो, पूरे ही मिले थे, दो लिख दो या फिर ये दोनों कर दो। तो देखो जो मैंने बताया था पूरा आया है, प्रूफ देख लो, आपके सामने कंप्लेंट मैंने प्रूफ करके दिखाया है सेकबट्टी यूनिवर्सिटी का। जिसको अगला पेपर लेना है मॉडल पेपर, वो डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन में ले सकता है, कंप्लीट मॉडल पेपर मिल जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, आपको मॉडल पेपर दिख जाएगा। आप वीडियो एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।